विराट कोहली ने रचा इतिहास, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में ध्वस्त किए सचिन के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर, विराट कोहली ने कौन सा इतिहास रचा है, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच में सचिन तेंदुलकर के कौन से 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में इस बारे में सब कुछ पूरी विस्तार से पूरी डिटेल में। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों विराट कोहली का पल्ला इस वर्ल्ड कप में जमकर बरस रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई में पहले सेमीफाइनल में कोहली के बल्ले से धमाकेदार शतक निकला। विराट ने 8 चौकों और 1 छक्कों की मदद से 106 गेंदों में 108 रनों की पारी खेली। इस शतक के बलबूते रिकॉर्ड के पहाड़ पर विराजमान रन मशीन ने एक नहीं बल्कि 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। किंग कोहली वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके पहले वे सचिन तेंदुलकर के साथ 49 शतक लगाकर पहला स्थान साझा कर रहे थे। बता दें कि सचिन ने 452 वनडे पारियों में 18,426 रन बनाते हुए 49 सेंचुरी लगाई थी। कोहली ने केवल 279 पारियों में 50वां शतक ठोक दिया। इस दौरान उन्होंने 13,770 रन अपने नाम किए। वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा हैं, जिनके बल्ले से 31 शतक आए हैं। वहीं इस शानदार पारी के दम पर सचिन तेंदुलकर के एक वर्ल्ड कप सीजन में सबसे ज्यादा रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कोहली ने अपने नाम कर लिया है। याद दिला दें कि सचिन ने विश्व कप में 11 मैचों की 11 पारियों में 61.18 के औसत से 673 रन निकाले थे, तब उनके बल्ले से 1 शतक और 6 अर्धशतक निकले थे। सचिन के इस विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर विराट कोहली ने खुद के नाम कर लिया है। अब वर्ल्ड कप 2023 में रन मशीन विराट कोहली ने 10 मैचों में 2 शतक और 650 की मदद से 694 रन बना लिए हैं। वहीं 674 रनों के साथ सचिन दूसरे पायदान पर फिसल गए हैं। इसके अलावा वर्ल्ड कप में 659 रन के साथ ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन तीसरे नंबर पर हैं। तो दोस्तों आप भी विराट कोहली की इस बेहतरीन पारी और इस बड़ी उपलब्धि पर क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट जरूर करें।